रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्हाट फैमिली, आप सब कैसे हैं? मुझे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, से हम भी ठीक हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। क्या हुआ? ये देखें वाइटी फैमिली, आज हम अंडे प्याज तैयार कर रहे हैं। और आजकल इतना जन्नत को टाइम भी नहीं मिलता अभी लोग तैयार करने का, दिन में जो है काम पे होती हैं और शाम को जब थकी हारी आती हैं तो फिर इतना हिम्मत नहीं होती, और भी घर के काम काज करने होते हैं। और अब जैसे ही जन्नत घर आई है तो ये घर में ये देखें ये कपड़े कुछ जमा हो गए थे, ये भी हैं। तो अभी लाइट भी जाने वाली है तो लाइट जाने से पहले ये सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं और अब जो है ये अंडे प्याज तैयार कर रहे हैं। ये इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि दूसरी कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और रात के अभी 10:15 बल्कि 10 के करीब ही हो गया टाइम, 10 बजने वाले हैं, तो इतना टाइम है नहीं कि कोई और सालन बनाएं। तो ये अंडे प्याज ज़रा जल्दी बनते हैं तो अब यही तैयार कर रहे हैं। ये मैं अंडे ले आया था और ये मसाले वगैरह देखें, तो अब ये काट रहे हैं तो उसके बाद तैयार करते हैं अंडे प्याज। लाइट भी जाने वाली है, ज़रा मुश्किल तो होगी अंधेरे में तैयार करना। ये देखें हमारी फैमिली, इसमें हमने फ्राई पैन में प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं और प्याज कुछ पक जाए तो फिर, और इसमें ऑयल भी डाल दिया है देखें, ये कुछ पक जाए और बाकी है हरा धनिया, ये देखें तैयार हो रहा है। फिर इसमें हरा धनिया और ये देखें ये टमाटर भी हमने काट के रखे डाल रख दिए हैं। बाकी इसके बाद फिर वो मसाले वगैरह और अंडे जो हैं डाल देंगे बाद में। लाइट भी जाने वाली है, थोड़ी सी मुश्किल होगी लाइट अगर चली गई तो और मसला होगा। ये देखें इसमें हरा धनिया ये काट दिए और टमाटर ये मेरे ख्याल से एक ही साथ ऐड कर देंगे, एक ही साथ जाएंगे सब जाके खुद ब खुद पक जाएगी। अभी मैं पकी हुई हूँ, ये तकरीबन प्याज आस्ते आस्ते तैयारी के मराहिल में आ रहे हैं। खुशबू अच्छी आ रही है सिर्फ प्याज और मिर्चों की। ये देखिए लाल मिर्चें और हल्दी हमने डाल दिए और अभी नमक डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। कोई भी हांडी हो उसके लिए मसाले उसकी जान होते हैं, बगैर मसालों के सब हांडी बेकार। ये देखें ये हरा धनिया और टमाटर इसमें ऐड कर दिए और अच्छे से इसको अभी मिक्स कर रहे हैं।
ऐसा लगता है चम्मच के साथ हंसना है कि घूम रही क्या नींद आ रही नहीं। हाँ अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10:15। बस ये तैयार हो जाए तो फिर खाना खाते हैं, और चाय तो तैयार है पहले से ही, सिर्फ गर्म करनी है बस। और खाना खा के चाय पी के और फिर आराम से सो जाएंगे। कहें जी बिनिश क्या कह रही है, क्या हुआ बिनिश? बिनिश तो सीख बोटी लेके आई है। ये कैसे बनाई है बिनिश ने? ये तो अच्छी बनाई है, टेस्टी बनाई है बिनिश ने। वाह ये देखें, ये है सीख बोटी, देखें ये बिनिश ने बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है ये तो है बिनिश, तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ बिनिश ने बहुत मेहनत से बनाई है। इसमें नमक भी और मिर्ची भी है। अच्छा ये तो बहुत बहुत अच्छा बना होगा है ना बिनिश? मैंने भी अभी बनाया इसको। हाँ बिनिश ने बहुत मेहनत से बनाया है, वो सामान पड़ा हुआ बिनिश का देखें, और इसके ऊपर जो है ना बिनिश ने इसमें कोयले रखे थे और इसमें तैयार किया है बिनिश ने, है ना बिनिश? तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है ना। टूट गया था क्यों? चलो खैर खैर ठीक है बिनिश। ये देखें जी इसमें अंडे डाल रहे हैं, अंडे हमें ये देखें 3 अंडे डाल दिए हैं, दो टाइम खा लिए, ये अभी भी खा लेंगे और कल भी काम आ जाएगा। लकड़ियों पे बनाते हैं लेकिन इतना टाइम था नहीं, इतनी देर में लकड़ियों पे वो आग जलाते हैं वो करते, तो अभी लाइट जाने वाली है, वैसे भी अंधेरे में लकड़ियों पे और मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा। मैंने कहा ये ऐसे ही भाई तैयार कर लेते हैं। लगभग तैयार हो ही गया, ज़रा सा और पक जाए तो। जन्नत के हाथ में दर्द हो गया है क्योंकि सुबह से लेके शाम 6:30 तक तो ये जॉब पे थी, काम कर रही थी, और फिर घर आई हैं, फिर कपड़े धोए हैं, तो फिर अभी इसके बाद ये काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये कपड़े भी पड़े हुए हैं देखें, इनको भी अभी ये तारों पर टांगना है, अभी इन पे भी डालना है अभी, तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा लाइट चली जाएगी पहले ये कर लूँ फिर उसके बाद आराम से कपड़े, मेरे में फिर और मुश्किल होती तैयार करने। बस ये शुक्र है कि लाइट जाने से पहले पहले कपड़े भी मेरे धुल गए और ये सालन भी बन गया मेरे, मेन काम जो थे ये कपड़े डालने। ये देखें जी ये सारे कपड़े जो है ना ये तारों पे डाल दिए, तो जन्नत ने कहा कि पहले कपड़े टांग देते हैं तारों पे, उसके बाद जो है खाना खा लेंगे, तो लाइट भी चली गई है अभी, चलें अभी खाना भी खा लेते हैं। ये देखें जी अंडा टमाटर तैयार हो गया और अभी खाना खाने लगे हैं, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूं, और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं कि आप लोग जहां भी रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपने अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और उसके अलावा
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा, और आपके कमेंट्स का, आपके तावन का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कराता शादोआबाद खुशोखुश में रखे हमेशा, आमीन सुमा आमीन। और कल एक नए वीलॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। देखें विनीश भी देख रही है, विनीश क्या कर रही है विनीश मेरा बच्चा क्या कर रहा है? वाह ये तो अच्छा लग रहा है विनीश को, है ना? हाँ जी। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। वाइट फैमिली, अल्लाह हाफिज़।